सबकी तरह मैंने भी यही सोचा कि मैं नौकरी करूंगी, तो जॉब भी लग गई। इसमें इस टाइम पे 70,000 पौधा है, और जैसे इसको ज़मीन पे लगाना हो तो हमें लगभग 40 कनाल लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। सब लोग नौकरियां ही ढूंढ रहे हैं, अगर कोई उगाएगा नहीं तो हम लोग खाएंगे कहाँ से। उनके पास जगह कम है और इसलिए वो एक छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको उस कंसेप्ट को छोड़ कर। अच्छा, मैंने अधिकतर देखा है कि मार्केट में जो स्ट्रॉबेरी आते हैं, जब आप उसे खरीद के घर पे लाओ तो अगले दिन इसमें फफूंद आ जाता है, तो वो स्ट्रॉबेरी कहाँ के होते हैं? नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं पंकज शुक्ल और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया, किसानों का डिजिटल अड्डा। अभी हम हिमाचल प्रदेश के पालमपुर एरिया में पहुंच चुके हैं और यहां पे स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। और कैसे कम एरिया में स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं, आइए आपको हम मिलवाते हैं। अपने बारे में बताइए कि ये कैसे आपने सोचा, मतलब एक महिला होकर के और खेती करना, और ये भी इतने बड़े पैमाने पे, कितना मुश्किल था? शुरुआत कहाँ से की आपने? सर, मेरा नाम भारती है और मैं पालमपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ, और जो मेरी ग्रेजुएशन है वो पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है, और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से है। तो सबकी तरह मैंने भी यही सोचा कि मैं नौकरी करूँगी, तो जॉब भी लग गई, और मैं एज ए प्रोजेक्ट फेलो CSIR पालमपुर में काम करती थी। तो उसके बाद दिमाग में था कि अपना एक कुछ अलग शुरू करना है, चाहे छोटा सा पर शुरू करना है। तो उसके लिए पहले हमने स्ट्रॉबेरी सोचा, तो स्ट्रॉबेरी हमने घर पे ऐसे शौक के लिए लगाया, लेकिन जो इसका प्रोडक्शन था, जो फ्रूट्स आया, वो इतना अच्छा आया, तो मुझे लगा कि इसको हमें थोड़ा बड़े लेवल पे करना चाहिए। तो हम तीन लोगों की टीम है, तो हमने मिलकर ये सोचा कि थोड़ा सा इसको बड़े लेवल पे लेके जाएं। तो घर पर हमने शुरुआत की एक शौक के तौर पर, तो घर की दीवार पर हमने 4 लेवल का सेटअप लगाया। आप बोल सकते हैं कोरोना टाइम पे उन प्लांट्स की इतनी अच्छी केयर हुई कि वहाँ पे इतनी प्रोडक्शन थी कि उस सेशन में हमने लगभग, आप सोचिए, 70,000 की स्ट्रॉबेरी घर से ही निकाल दी, घर की एक दीवार से निकाली, क्योंकि इतनी ज़्यादा थी तो हमें सेल करनी पड़ी। तो हमने तब प्लान किया कि अपना एक इस पे थोड़ा बड़ा करते हैं, तो हमने लास्ट ये सेटअप खड़ा किया। कितना मुश्किल है कि आप जैसे बता रही हैं कि आपकी शादी हो गई है, तो बच्चे हैं, फैमिली है, उसके बाद से ये पूरा देखना, ये कितना मुश्किल है, और कैसे सपोर्ट कैसे मिलता है आपको घर से? सर, टफ तो है, बट ये है कि फैमिली का फुल सपोर्ट है, और तो ये सारी चीज़ें हैंडल हो जाती है। और अगर मन में है कि अगर आपको कुछ करना है, तो मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं हर काम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये इसका पौध कहाँ से लाती हैं आप, और कैसे इसकी, मतलब किस जगह से लाती हैं, हिमाचल से लाती हैं, या फिर कैसे मिलता है, इसका रेट क्या है, प्राइस क्या है? सर, ये हम खुद अपनी, पहले हमने जो बाहर से लिया था, तो मैंने खुद मदर प्लांट से इन सब रनर्स को हमने तैयार किया है, तो हम बाहर से नहीं लेते, क्योंकि बाहर से हमें नहीं पता कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो अगर आपको लार्ज स्केल पे करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या प्लांटेशन कर रहे हैं। तो इसके सारे जो, मतलब आप बोल सकते हैं प्लांट्स हैं, हमने अपनी फील्ड में मदर प्लांट से खुद तैयार किए हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो ये किस मौसम में, इसका प्लांट किस मौसम में लगाया जाता है, और इसका फूल कब निकलता है, पौधा कब निकलता है? सर, इसकी जो प्लांटेशन है वो अक्टूबर मंथ में की जाती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक की जाती है। तो हमारे पास जो है, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं, और जनवरी में यहाँ फ्लावरिंग आ जाती है, फुल ब्लूम होता है यहाँ पे, और फेब से आप अपना, और जनवरी के लास्ट तक आप अपना प्रोडक्शन ले सकते हैं। एक बैग में अगर मैं बात करूं तो कितने पौधे आप एक बैग में आते हैं? सर, एक बैग में हम 3 पौधे लगाते हैं, तो अभी छोटे हैं तो अभी स्पेस दिख रहा है, लेकिन जब ये थोड़े से बड़े होते हैं तो ये फुल भर जाते हैं, तो एक बैग में हम 3 ही पौधे लगाते हैं। कितने लेयर हैं ये, मतलब नीचे से कितने लेयर होंगे? सर, ये जो है 10 लेयर्स का स्ट्रक्चर है, लेकिन हमें जो 10वीं लेयर थी उस पर काम करने में थोड़ी मुश्किलें आई, क्योंकि ये गांव है और हमारी लिफ्ट यहाँ पे काम नहीं की, क्योंकि उसके लिए हमें 3-फेज सिस्टम की एक ज़रूरत पड़ी, तो हमने इसको थोड़ा सा 9 लेयर्स का कर दिया। तो ऐसे ये 10 लेयर्स का है, पर हमें फिर उसकी वजह से ऊपर से अपने गमले निकालने पड़े और 9 लेयर का करना पड़े, ताकि हम इजिली इस चीज़ को हैंडल कर सकें। एक ये पॉली हाउस पूरा स्ट्रक्चर बनाने में, या पूरा ये लेयरिंग करने में लागत कितनी आई होगी आपको? सर, 50 लाख से ज़्यादा। तो आपने कोई सरकार से कोई लोन भी लिया था, या सेल्फ कैसे किया? नहीं सर, हमने कोई लोन नहीं लिया, हमने अपनी सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो हम तीनों की थी, तो वही लगा के अपना काम शुरू किया है। अच्छा, बात करूँ प्रॉफिट की, तो क्या आप फिर उसी प्रॉफिट को फिर इसमें ही लगाती हैं, या फिर इसको और बड़ा करने को सोचा है आपने, या फिर इतना बड़ा ही रखना है? सर, जो प्रॉफिट आता है, हमने इसको और अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने की, मतलब वो की है, क्योंकि जो
स्ट्रॉबेरी है एक सीजनल प्लांट है, तो हमारे पास लगभग 10 लोग काम करते हैं यहाँ पे, तो हमें उनको हर सीज़न काम, हर दिन काम देना है। तो हम साथ साथ में अपने वेजिटेबल्स का काम भी शुरू हमने किया है, तो हमने अभी अपनी 3 फील्ड रेडी कर ली हैं जहाँ पर हम और काम करते हैं। तो हमारे साथ अभी इस फील्ड को छोड़ के 2 और फील्ड हैं जहाँ हम काम करते हैं। तो क्या हर स्ट्रॉबेरी की कोई वैरायटी होती है, या हर जगह जो भी स्ट्रॉबेरी होती है उसकी सेम वैरायटी होती है, ये किस टाइप की वैरायटी है आपके पास? सर, हर जगह की वैरायटी अलग अलग होती है। तो ये जो है इस टाइम पे आप देख रहे हैं, मेरे पास 3 वैरायटीज़ पे हैं। तो मेरे पास एक नाबीला है, एक विंटर डाउन है और एक कैमारोजा है। तो मैं 3 वैरायटीज़ पे काम करती हूँ। तीनों में सबसे खास क्या है, मतलब तीनों एक जैसा ही दिखता है या फिर उसका न्यूट्रिशन अलग है या क्या है? नहीं सर, देखने में सब सेम लगता है, लेकिन जो टेस्ट है सबका अपना अपना है, और जो प्रोडक्शन है सबकी अपनी अपनी अलग है। अच्छा, सबसे अच्छी रेट, सबसे महंगी रेट किसका है? सर, नाबीला का सबसे अच्छा, उसका साइज़ भी बड़ा आता है और वेट भी उसका काफ़ी बड़ा होता है, साइज़ भी, और स्वीट होता है, वो खट्टा नहीं होता। अगर एक स्ट्रॉबेरी की खेती अगर किसी को करना है पॉली हाउस में, इस लेवल का करना है, तो साथ में किस तरह की टीम होनी जरूरी है, जो जिनको जानकारी हो कि नहीं ये टीम होनी चाहिए, टीम मेम्बर ऐसे होने चाहिए? नहीं सर, सबसे पहले जो काम शुरू कर रहा है उसको जानकारी होना ज़रूरी है, और बाद में तो अपनी टीम को धीरे धीरे वो सिखाई देता है कि कैसे काम करना है आपको। अगर एक आम आदमी है, वो चाहे कि स्ट्रॉबेरी का खेती करना है पॉली हाउस में, तो उसे सबसे पहले क्या जानना जरूरी होगा उसको? सबसे पहले तो उसको स्ट्रॉबेरी के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी खेती करनी है। पॉली हाउस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आपको अलग से करना है, जैसे बाहर खेती होती है वैसे ही इसकी अंदर होती है, बस उसको थोड़ी सी चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए कि कैसे उस चीज़ को उसने मैनेज करके चलना है। तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है ये काम। तो जब से आपने ये शुरू किया, उसके बाद से कुछ लोग आपसे सीख करके खुद से शुरू किया हो, या उनको आप पौधा देती हैं? बाहर से भी बहुत से डिमांड आती है प्लांट्स के लिए, तो हम ऑल इंडिया प्लांट्स भेजते हैं यहाँ से। और जैसे 2-3 वीडियोस पहले भी बने थे, तो बहुत से किसान जो लोग थे वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे थे, मतलब इवन साउथ से बहुत से लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो मैं उनको ऑनलाइन सेशन लेती हूँ, तो हम उनको पूरा बताते हैं कि आप टेक्निकली जो इसमें थोड़े बहुत जो क्वेरीज होती हैं उनकी, वो हम सब उसमें सॉल्व करते हैं। तो हमको ऑनलाइन सेशन के थ्रू सब सिखा देते हैं कि आपको कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। किसमें आप जो सिंचाई की जो व्यवस्था है, वो क्या आपने ड्रिप इरिगेशन अपनाया हुआ, जैसा आप एक बार दिखाएं यहाँ पे, ये ड्रिप इरिगेशन के थ्रू जो होता है, जो बूंद बूंद करके इसमें, जिसमें पानी भी की मात्रा कम लगती है, तो ये कैसे करना होता है कि मतलब पानी आपको हफ्ते में देना होता है या कैसे रखना होता है, पानी कैसे देते हैं? सर, सारा पानी जो है हम ड्रिप इरिगेशन के थ्रू देते हैं। तो इसमें हम जैसे हम टाइम नोट मॉइस्ट सॉइल का मॉइस्चर देख के पानी देते हैं, तो हमारे पास जैसे सेंसर्स होते हैं, हम उनसे भी देख लेते हैं, या आप नॉर्मली किसान को पता होता है कि पौधे को पानी की ज़रूरत है या नहीं है, तो हम सिर्फ ऊपर की लाइन्स को ओपन करते हैं, तो वहाँ से टिप टिप करते 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 पानी नीचे तक पहुँच जाता है। तो आपको हर लाइन को पानी देने की या हर पौधे को पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको दिखा दूँ किसान साथियों कि आप देखेंगे ऊपर, ये पानी ऊपर वाले डब्बे में जाता है, और हर डब्बे के नीचे एक छेद है, जो अपना पानी जितना लेना है उतना पानी पौधा ले लेता है, और फिर वो बचा हुआ पानी उसके नीचे वाले पौधे में आता है। इससे क्या होता है कि पानी कम से कम इस्तेमाल होता है, और ये पूरे फसल कितने दिन के अंदर फिर पूरा ख़त्म हो जाता है, इसका भी कोई एक लिमिट होता होगा? ऐसा तो है नहीं कि एक बार फूल आ गया फिर दोबारा उसी जगह पे आएगा? नहीं सर, सर ये जो एक साइकिल होता है, तो प्लांटेशन का हम थोड़ा सा एक्चुअली ये बल्क में है प्लांट सारे, तो एक टाइम पे प्रोडक्शन ना आए, तो क्योंकि ये बड़ा सॉफ्ट सा फ्रूट है, जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हम ऐसे प्लांटेशन करते हैं 50% का गैप, 15 डेज़ का गैप देके, कि आधे प्लांट्स की जो प्लांटेशन है वो आधे टाइम पे करेंगे, उसके 15 दिन के बाद हम दूसरे प्लांटेशन करेंगे। तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है एक साथ नहीं आती है, तो हमें सेल करने में भी इजी होता है, क्योंकि धीरे धीरे प्रोडक्शन आती है। और सेकंड थिंग, ये पॉली हाउस का फ़ायदा है, अगर ओपन फील्ड में तो आपको एक साथ लगानी पड़ेगी, और दूसरा फ़ायदा पॉली हाउस का ये होगा कि ओपन फील्ड में अप्रैल तक प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है, विद इन 2 मंथ्स की, 3 मंथ्स की, इससे ज़्यादा नहीं हो पाती। लेकिन लास्ट सेशन में हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल करके रखा था, हमारे पास फोकर सिस्टम है और एक बाहर हमारा एक कूलर सिस्टम है, तो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से टिल जुलाई तक हमें स्ट्रॉबेरी की प्रोडक्शन मिली। अच्छा, मैंने अधिकतर देखा है कि मार्केट में जो स्ट्रॉबेरी आते हैं, जब आप उसे खरीद के घर पे लाओ, तो अगले दिन उसमें फफूंद आ जाता है, तो वो स्ट्रॉबेरी कहाँ के होते हैं, क्या मतलब, या ऐसा होता है, या फिर वो स्ट्रॉबेरी स्टोरेज होते हैं या कोल्ड स्टोरेज के होते हैं? सर, जो स्ट्रॉबेरी का फ्रूट है ना, वो 3-4 डेज तक चलता है, तो जब वो किसान से चलता है, मंडी तक पहुंचता है,
दो दिन दिन अपना कवर और जब तक कस्टमर तक पहुंचता है, तीन दिन अपना कवर अप करके आया होता है, तो चौथे दिन तो उसने ख़राब होना ही है। उसकी जो शेल्फ लाइफ एक्चुअली स्ट्रॉबेरी की वो इतनी ही है, 4 डेज से ज़्यादा वो उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। स्ट्रॉबेरी के साथ साथ आपने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ भी लगा रखी हैं, जैसे कि शिमला मिर्च है, और कौन कौन सी वैरायटी आपने यहाँ लगा रखी है? सर, हमने जो वेजिटेबल्स में है शिमला मिर्च है, ये कलर्ड कैप्सिकम है, और इसके साथ साथ हमने एक सीडलेस खीरा लगाया है, और फ्रेंच बीन्स हैं जो नॉन सीजनेबल अभी हमारे पास सब्जियाँ हैं, और साथ में लेटस है और मटर हैं जो अभी सीज़न अभी आएगा तो हमारे पास ऑलरेडी वो सीज़न तैयार हैं। तो ये थी हमारे साथ भारती जी जो स्ट्रॉबेरी की खेती करती हैं, और आपको मैंने दिखाया कि कैसे इन्होंने शुरुआत किया, कैसे इन्होंने फिर उसी पौधे से इन्होंने नर्सरी तैयार करती हैं, बाकी किसानों को भी देती हैं, बाकी किसानों को प्रोत्साहित भी करती हैं कि कैसे इसकी खेती करें। भारती जी, आप क्या बताना चाहेंगी हमारे किसान ऑफ इंडिया के जो व्यूवर्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी जो ये शुरुआत करना चाहते हैं या जो एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं? सर, मैं उनको सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि अगर वो सोच रहे हैं या उनको उनके पास जगह कम है और इसलिए वो एक छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको उस कंसेप्ट को छोड़कर आज के टाइम में टेक्निक्स का हेल्प लेके अपनी फार्मिंग एरिया में अपना जीवन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि फार्मिंग आज के टाइम में कोई नहीं करना चाहता, तो सब लोग नौकरियां ही ढूंढ रहे हैं। अगर कोई उगाएगा नहीं तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? तो लोगों को मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा अपना फार्मिंग के लिए भी आना चाहिए, और जैसे आपने मेरा कंसेप्ट देखा कि छोटे से एरिया में हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, सिर्फ स्ट्रॉबेरी के लिए नहीं, हम और भी जो क्रॉप्स हैं उनको भी इस स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे टर्मरिक है, जैसे गार्लिक है, तो वो अपना फ्यूचर इस लाइन में आके फिर बना सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। किसान साथियों, ऐसे तमाम कहानियां हम आपको लाते रहेंगे, और देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया, किसानों का डिजिटल अड्डा। नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं, और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।